ताजमहल में बम रखे जाने की सूचना के बाद गुरुवार को हड़कंप मच गया। ताजमहल परिसर से पर्यटकों को बाहर निकालकर पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के बाद यह सूचना फर्जी निकली, जिसके बाद पर्यटकों को ताजमहल में फिर से प्रवेश दे दिया गया है। पुलिस ने बम की खबर देने वाले युवक को फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार किसी ने पुलिस को फोन करके सूचना दी कि ताजमहल के पास बम रखा है, जो कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी ने मोर्चा संभाला और तत्काल ताजमहल के दोनों गेट बंद कर दिए और पर्यटकों को बाहर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। CISF और पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद ताजमहल परिसर को दोबारा खोल दिया गया। आज सुबह यूपी 100 पर एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल नंबर से कॉल करके ये सूचना दी कि उसकी आर्मी की भर्ती कैंसिल हो गई और इसलिए उसने ताजमहल के आसपास बम लगा दिया। जिस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ताज सुरक्षा में हमारे लगे CO सदर को सूचना की गई और CISF, ASI और सिविल पुलिस की टीम ने ताजमहल के आसपास अपने बम डिस्पोजल टीम एस चेक टीम के द्वारा पूरी छानबीन कर ली गई है। जिस व्यक्ति जिस नंबर से फ़ोन आया था उसकी लोकेशन और आईडी ली गई है, फिरोजाबाद में कहीं प्राप्त हो रही है। टीमें निकाल दी है ताकि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके और अभी चेकिंग के उपरांत सभी कुछ स्थिति सामान्य पाई गई है और ताजमहल की एंट्री भी प्रारंभ कर ली गई है। बता दें कि जिस समय पुलिस वहां पहुंची उस समय काफ़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल परिसर में मौजूद थे। पर्यटकों को ताजमहल परिसर से निकालने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों और पर्यटकों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। काफ़ी मशक्कत के बाद लोगों को ताजमहल परिसर से निकाला गया। हालांकि ताजमहल परिसर से निकाले जाने के बाद भी लोग ताजमहल के गेट पर मौजूद रहे।